In this video, we'll be talking about the top 10 colleges through Maharashtra MBA CET examination in Pune. तो अगर आप पुणे बेस्ड हो या पुणे बेस्ड कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो CET के थ्रू, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. टॉप 10 कॉलेजेस का डिटेल मैं देने वाला हूँ, क्या सीट्स हैं ओके और क्या प्लेसमेंट्स हैं. सो टॉप 10 कॉलेजेस, व्हाट आर द सीट्स अवेलेबल, सीट्स क्या है एंड प्लेसमेंट्स क्या है. ठीक है, सो एवरेज प्लेसमेंट, आइडली आई ऑलवेज सजेस्ट कि भाई एवरेज प्लेसमेंट देख के कॉलेज डिसाइड करो, हाईएस्ट के पीछे मत भागो. हाईएस्ट कुछ ही लोग को, एक दो लोग को ही मिलता है, कम लोग को मिलता है. तो एवरेज प्लेसमेंट पे बात करते हैं. ठीक है, सो जितने लोग पुणे बेस्ड हो, पिंपरी, कोथरूड, हिंजेवाड़ी, चिंचवड़, ठीक है, तथवाड़े, आकुड़ी, पिरंगट, तो ये दीज आर द लिस्ट ऑफ द लोकेशन जहाँ पे मेजरली कॉलेजेस लोकेटेड है. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ टॉप 10 कॉलेजेस इन पुणे थ्रू सीईटी एग्जामिनेशन. ये वीडियो शेयर करना आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको और भी आगे वीडियो चाहिए. मुंबई बेस वाला ने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो मुंबई बेस बनाया था, तो अगर आप मुंबई के कॉलेजेस थ्रू सीटी देख रहे हो तो वह वीडियो आप जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको नासिक, नागपुर और औरंगाबाद या जो भी अदर कॉलेजेस हैं जो अवेलेबल हैं दूसरे टॉप सिटी में महाराष्ट्र के, तो उसके लिए भी यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल राइट, सो बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप पुणे बेस्ड हो सो देयर इज अ गुड न्यूज, वी हैव ओपन आवर सेंटर इन पुणे. 8484091632 पे यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम एट पुणे. डेक्कन बस स्टॉप, डेक्कन जिमखाना के सामने मेनुओ सेंटर इज देयर, तो यू कैन ज्वाइन पुणे सेंटर फॉर योर सीईटी एंड दी कैट, नॉन कैट, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यू आर प्लानिंग. और अगर आप मुंबई में हो तो थाने में, दादर में, वसई, अंधेरी, बोरीवली यू कैन विजिट. और अगर आप मुंबई पुणे बेस्ड नहीं हो तो ऑनलाइन के लिए, लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. ऑल द डिटेल्स आई हैव मेंशन डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक डिस्क्रिप्शन. ऑल राइट, सो नंबर वन पे जो कॉलेज है ऑब्वियसली पुंबा, आरओआई वाला कॉलेज है भाई, डेफिनेटली यू शुड टारगेट दिस कॉलेज. 1.30 लाख की फीस है 2 साल के एमबीए की. एवरेज प्लेसमेंट है 12.2 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट पैकेज इज 19 लाख पर एनम. ठीक है, सो 1.5 लाख के आसपास आपकी फीस है, 12 लाख के आसपास का एवरेज प्लेसमेंट है, तो आपका अच्छा खासा आरओआई निकलने वाला है. इसलिए मैं इसको आरओआई वाला कॉलेज बोलता हूँ, लाइक जेबी, सिडनम. ठीक है, सेकेंड नंबर पे है पीआईबीएम, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. 8.75 लाख की फीस है, एवरेज प्लेसमेंट 9.5 लाख का है, हाईएस्ट इज 18 लाख पर एनम. तो आप ये भी कॉलेज थ्रू सीईटी अप्लाई कर सकते हो. देखो, पुंबा में जाना है तो भाई 99.50+ या 60+ का परसेंटाइल लेके आना पड़ेगा. ठीक है, तो एज आई मेंशन, जेबी के लिए 99.90, सिडनम के लिए 99.80 या 75 के आसपास, और पुंबा थर्ड नंबर पे आता है तो 99.6070 कट ऑफ फ्लक्चुएट होगा, बट हाँ 99 के नीचे सीटी में कुछ भी ढंग का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा. तो भाई अनलेस यू फॉल इन कैटेगरी, तो ट्राई टू हिट 99+, और हर सेशन में बोलता हूँ 160+ का आइडियल टारगेट लेके चलो आउट ऑफ 200 इन सीटी, सो दैट सेफ साइड रहोगे आप, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5 के अंदर रहोगे. ओके, नेक्स्ट इज SCES, इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस. 9 लाख की फीस है, एवरेज प्लेसमेंट है 8.5 लाख का. तो हाँ, जो फीस आपने पे किया उसके हिसाब से आपको सेम प्लेसमेंट आपको मिल रहा है, और 2 साल में आप अच्छा खासा कवर कर लोगे, 1 साल में ही रिकवरी हो रही है बेसिकली. हाईएस्ट इज 16.32 लाख पर एनम, तो अगेन गुड कॉलेज. आफ्टर देन बालाजी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, तो 7.98, मतलब 8 लाख की फीस है, प्लेसमेंट भी रफली उतना ही है, तो 7.5 लाख का प्लेसमेंट है, और हाईएस्ट इज 13 लाख पर एनम. ओके, सो अगेन सीटी के थ्रू यू कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेज. नेक्स्ट इज COEP, अगेन गुड कॉलेज इन पुणे, रफली 4 लाख की फीस है, डबल का पैकेज, मतलब 6.84 लाख, ऑलमोस्ट 7 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है, हाईएस्ट इज 19.8 लाख का प्लेसमेंट, और मीडियन जो है वो 9 लाख का है. तो भाई मीडियन हमेशा अच्छा कंसिडर किया जाता है, मतलब एवरेज से बेटर है मीडियन, मीडियन कंसिडर करना चाहिए आइडिया आपको. ठीक है, तो इट इज़ अ गुड कॉलेज, वन शुड डेफिनेटली अप्लाई थ्रू सीटी. इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, 4 लाख की फीस है, 6 से 7 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है, और 12 लाख का प्लेसमेंट इनका हाईएस्ट है. देखो, कुछ कॉलेज का डिटेल्स फीस वगैरह मिला नहीं है, तो हमने और भी रिसर्च करके, एंड या मल्टीपल वेबसाइट पे वी हैव रिसर्च एंड वहाँ से हमने डेटा मिला हुआ है. कॉलेज के वेबसाइट पे समटाइम डेटा अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है, सो जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, 1 साल, 2 साल बाद, या जब भी वीडियो देख रहे हो, तो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे गो एंड चेक,
अपडेटेड डेटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके तो नेक्स्ट बात करते हैं अगेन बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न कॉलेज, 12 लाख की फीस है, एवरेज प्लेसमेंट जो है 6.5 लाख का, हाइएस्ट इज 18.75 लाख पर एनम। ओके एंड RIIM द अकेडमिक स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, 7 लाख के आसपास की फीस है, 5 लाख का प्लेसमेंट है, हाइएस्ट इज 12 लाख पर एनम। ठीक है तो यू कैन अप्लाई फॉर दीज टू कॉलेजेस अगेन थ्रू CET। नेक्स्ट इज सेंगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, 3 लाख के आसपास की फीस है, 4.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है, हाइएस्ट इज 7.4 लाख पर एनम। DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, 3 लाख की फीस, 4 लाख का प्लेसमेंट रफली एंड 12 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ CET में अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, परसेंटाइल अच्छा आ रहा है ना, तो आप हमेशा अच्छा कॉलेज के लिए जाओगे और जाना चाहिए। तो स्कोर परसेंटाइल आपका मैटर करता है, ये दिमाग में लेके चलो। 160 प्लस आउट ऑफ 200 ये अगर स्कोर बन रहा है तो 99.90 प्लस परसेंटाइल आपका बनेगा ही बनेगा। दैट डिपेंड्स कि उस साल लोगों ने कितने लोगों ने एग्जाम लिखा है, पेपर का टफनेस क्या है, है ना, परसेंटाइल कितने से जंप हुआ है, ये सारे फैक्टर भी है, बट आइडियल ये स्कोर सेफर साइड है। ओके आप ये बोल सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो। अगर आप पुणे में रहते हो तो आप ये 10 कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो इन पुणे। दूसरे और भी कॉलेजेस है पुणे में तो वो भी आप चेकआउट डेफिनेटली कर लेना, बट हाँ ये टॉप 10 की लिस्ट मैंने आपको दे दी है मोटा मोटी। अब आप थोड़ा सा जब भी MBA करने जा रहे हो थोड़ा रिसर्च करो कॉलेज को लेकर के, व्हाट आर द एलुमिनाई, उस कॉलेज के एलुमिनाई कौन कौन है और प्लेसमेंट स्टैट्स कैसा है, इन्फ्रा कैसा है, फैकल्टी कैसा है, ये सारी चीज़ें देखो यार। आप 2 साल का MBA करने जा रहे हो, कम ऑन, तो आपको तो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा होमवर्क करके जाओ, ठीक है। और अगर और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू वांट गाइडेंस असिस्टेंट, तो आप पुणे सेंटर में विजिट कर सकते हो। आर काउंसलर विल गाइड यू विथ रिगार्ड्स टू दी प्रिपरेशन बैचेस एंड दी कॉलेजेस एज वेल। और अगर आप मुंबई में हो तो थाने, बोरीवली, वसई, दादर, अंधेरी यू कैन विजिट। ओके तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।